गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन थर्ड लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। सो स्टूडेंट, वी जस्ट रिवाइज सम पर्टिकुलर टर्म्स विच यू हैव रीड इन प्रीवियस लेक्चर, दैट वॉज टैक्सोनॉमी कैटेगरी वेयर यू हैव रीड रिप्रेजेंटिंग रैंक और टैक्सॉन, द रैंक विच रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर which represent a particular rank or is called taxon. Then you have read categories where you have read species. Species basically it is group of individual organisms with fundamental similarities. Group of individual organisms with a fundamental similarities is called as species. Species, one should be able to distinguish one species from the other closely related species. Clear? It is based on the distinct morphological differences. Let us consider Magnifera, Indica, Solanum, Tuberosum and Panthera leo. All these are three names. Indica, Tuberosum and leo represent specific epithets. Clear? While the first word Magnifera, Solanum and Panthera are genera and represent other higher level of taxon or categories. So each genus may have one or more than one specific epithets, means species so hai lowest classification hai, and many species form a genus. Clear student? So we will start genus. Here you have read about genus. Genus comprises a group of related species which has more characters in common and comparison to species of other genera. Matlab species jo hain, bahut sari genus kisse banke bana hai? Group of related species which has more character in common as compared to species. Matlab जीनस में और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो स्पीशीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉमन हैं जो जीनस फॉर्म कर रहे हैं. वी कैन से दैट जेनरा इज अ एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. मतलब जीनस जो है कई स्पीशीज से फॉर्म हुआ है, एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. आर यू क्लियर स्टूडेंट? फॉर एग्जाम्पल्स, पोटेटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट बोथ बिलोंग जीनस सोलेनम. जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेटो एंड ब्रिंजल, देर आर टू स्पीशीज बट इट इज कॉमन जीनस दैट इज विच इज सोलेनम. क्लियर स्टूडेंट? सोलेनम में इंक्लूड हुआ है ब्रिंजल और पोटेटो, जबकि ब्रिंजल अलग है पोटेटो अलग है. तो ब्रिंजल और पोटेटो में कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिससे वो सोलेनम पर रखा हो, तो सोलेनम इज अ जीनस. क्लियर स्टूडेंट? लाइक लॉयन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर. यहाँ पे तीन स्पीशीज पैंथेरा की दिया है, लॉयन, लेपर्ड्स एंड टाइगर. ठीक है, सबका कॉमन क्या है? पैंथेरा. बट ये अलग है, लियो, पार्डस एंड टाइग्रस दैट हैव वेरी कॉमन फीचर. सो दीज ऑल स्पीशीज ऑफ जीनस पैंथेरा. से फॉर एग्जाम्पल्स लियो, लेपर्ड्स एंड टाइगर, ये एक कॉमन जीनस पर है. जीनस का नेम क्या है? पैंथेरा. बट तीनों की स्पीशीज अलग है, एक पैंथेरा लियो है, पैंथेरा पार्डस है, पैंथेरा टाइग्रस है. क्लियर स्टूडेंट? तो जीनस जो है वो एग्रीगेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. नाउ थर्ड वन इज फैमिली. दिस इज वी आर गोइंग लोएस्ट क्लासिफिकेशन टू ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन. सो व्हेन नेक्स्ट टैक्सोन ऑफ कैटेगरीज इज फैमिली. फैमिली इट इज़ नेक्स्ट कैटेगरीज. इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. फैमिलीज क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड. एंड सो मैनी जेनरा फॉर्म आ फैमिली. सो मैनी जेनरा हैज सम सिमिलरिटीज, कॉमन सिमिलरिटीज. इट इज़ नॉट कॉमन इन जीनस एंड नॉट कॉमन इन स्पीशीज. क्लियर? तो जो जेनरा के बीच में खूब सारे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कारण वो एक फैमिली फॉर्म कर रहे हैं. सो नेक्स्ट कैटेगरीज इज फैमिली. इट इज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद
स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज. फैमिलीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर. मतलब फैमिलीज जो डिफाइन की हैं ऑन द बेसिस ऑफ दोनों कैरेक्टर लिए हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. फॉर एग्जाम्पल्स दे आर थ्री डिफरेंट जेनरा लाइक सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा इज कैप्ट और प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी. मीन्स सोलेनेसी क्या है? इट इज फैमिली है. और इस फैमिली में कौन कौन से तीन जेनरा इंक्लूड हुए हैं? इट इज थ्री जेनरा, सोलेनम, पिट्यूनिया एंड थर्ड वन इज धतूरा. ये तीनों प्लांट्स को आप अच्छे से जानते हो. ये तीनों प्लांट्स जो हैं एक कॉमन फैमिली सोलेनेसी पर हैं. क्यों? क्योंकि देर आर सम कॉमन कैरेक्टर इन सोलेनम, पिट्यूनिया एंड धतूरा. क्लियर स्टूडेंट? सो और ये क्या है? डिफरेंट जीनस के हैं. दे आर कैप्ट इन डिफरेंट जीनस. पिट्यूनिया और धतूरा आर प्लेस इन फैमिली सोलेनेसी अमंग इसी तरह से जस्ट लाइक सेम क्लासिफिकेशंस इन एनिमल ऑल्सो. लाइक जीनस पैंथेरा कंप्राइजेज लॉयन, टाइगर एंड लेपर्ड्स इज पुट अलॉन्ग विद अ जीनस फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेलिडी सिमिलर. ये कैट फैमिली पर रखे गए हैं. किसको? पैंथेरा को. ठीक है, जीनस पैंथेरा को, जिसमें कि लेपर्ड्स की डिफरेंट स्पीशीज आ रही हैं. दीज ऑल आर कैप्ट इन सेम फैमिली. फैमिली इज फेलिडी. ठीक है, दैट अगेन कैट एंड डॉग दोनों को हमने ऑब्जर्व किया एंड दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मॉर्फोलॉजिकली. सो कॉट जो कैट फैमिली इट इज फेलिडी एंड डॉग फैमिली इट इज कॉल्ड एज कैनाइनिडी. तो इस तरीके से फैमिली अलग है. कैट की फैमिली अलग है, डॉग की फैमिली अलग है. और कैट की फैमिली में क्या इंक्लूड हुआ है? फेलिडी फैमिली में, फेलिडी फैमिली में जीनस पैंथेरा इंक्लूड है. सो आई थिंक देयर इज द फैमिली मोस्ट कॉमन कैरेक्टर एज मोस्ट कॉमन कैरेक्टर इन अ लॉट ऑफ जीनस. जब सब कई सारे तरीके के जीनस के कॉमन कैरेक्टर होते हैं, इट्स फॉर्म अ फैमिली. मीन्स इट इज रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज. ठीक है, तो स्पीशीज और जीनस से इसमें लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज होती है. क्लियर? जैसे जैसे हम क्लासिफिकेशन आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे क्लासिफिकेशंस के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो धीरे धीरे लेस होते जाएंगे. क्लियर? आफ्टर फैमिली वी विल अगेन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टैक्सॉन, इट इज ऑर्डर. ऑर्डर अगेन वी विल डिफाइन ऑर्डर जस्ट लाइक अ लाइक स्पीशीज, जीनस, फैमिली आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, जनरली ऑर्डर. जब स्पीशीज, जीनस और फैमिली, बहुत सारी फैमिली जो जिनके कॉमन कैरेक्टर फॉर्म हैं, इट्स फॉर्म अ ऑर्डर. मतलब सो मैनी फैमिलीज विच हैज सम कॉमन कैरेक्टर कंप्राइजेस और क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर कंप्राइजेस ऑर्डर. और इन अदर वर्ड वी कैन से हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर. ऑर्डर बींग अ हायर कैटेगरीज. ऑर्डर से अब धीरे धीरे कैटेगरीज क्या होती जा रही है? हम लोअर से ब्रॉड की ओर जा रहे हैं. इट इज असेंबलीज ऑफ फैमिलीज. मतलब सो मैनी फैमिलीज फॉर्म अ ऑर्डर. इट इज असेंबलीज ऑफ फैमिली. ऑर्डर को क्या है? ये असेंबलीज ऑफ फैमिली. असेंबलीज ऑफ फैमिली. कई सारी फैमिली असेंबल्ड होकर क्या फॉर्म कर रही है? ऑर्डर. और वो फैमिली में कुछ कॉमन कैरेक्टर जिससे वो ऑर्डर पर आ रही है. द सिमिलर कैरेक्टर आज लेस नंबर इज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा.
इसमें सिमिलर कैरेक्टर अब और कम होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल्स वी हैव रीड रिलेटेड जेनरा। रिलेटेड जेनरा क्या फॉर्म कर रहा है? डिफरेंट जेनरा सोलेनम पेटिनियम वो फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट करिए फैमिली। रिलेटेड जेनरा क्या फॉर्म कर रहा है? फैमिली। तो फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर थोड़े हैं। अब बहुत सारे फैमिली मिलकर क्या फॉर्म करे? ऑर्डर। इसके कॉमन कैरेक्टर और भी लेस हो गए, ठीक है। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरीज, इट इज असेंबलीज ऑफ फैमिली विच हैज एक्सिबिट फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। और कैरेक्टर कितने होते जा रहे हैं? लेस होते जा रहे हैं। फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? आर यू क्लियर दिस वन? कि ऑर्डर में सिमिलर कैरेक्टर और भी कम होंगे और आगे वाली कैटेगरीज हम जाएंगे तो उसमें कैरेक्टर और भी कॉमन कैरेक्टर कम होते जाएंगे। फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा, ठीक है। जेनरा से कम हो गए हैं, ठीक है। विच इंक्लूड फैमिली, ठीक है। प्लांट्स फैमिली लाइक कॉनवॉल्वुलेसी सोलेनेसी इंक्लूड इन ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल सो मैनी फैमिलीज आर इंक्लूड देयर। कॉनवॉल्वुलेसी एंड सोलेनेसी फॉर्म आ पॉलीमोनियल्स, क्लियर। इट इज़ बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड है। द एनिमल और लाइक एनिमल में एनिमल ऑर्डर कॉर्निबोरा। ऑर्डर क्या है? कॉर्निबोरा विच इंक्लूड फैलिडी और कैनिडी। जो कैट फैमिली को भी ले रहा है और डॉग फैमिली को ले रहा है, तो एक ऑर्डर इसका कौन सा हुआ? कॉर्निबोरा। तो दोनों में फैलिडी एंड कैनिडीज में दे आर सम लेस कॉमन कैरेक्टर ऑन विच दिस इज कैप्ट इन ऑर्डर कॉर्निबोरा, क्लियर स्टूडेंट? तो देन कॉर्निबोरा, अदर देन कॉर्निबोरा फिर सो मैनी ऑर्डर्स फॉर्म क्लासेस। अब ऑर्डर से क्या फॉर्म हो रही है? क्लासेस। द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। दिस क्लास में क्या इंक्लूड है? रिलेटेड ऑर्डर। सो मैनी ऑर्डर्स इंक्लूड इन क्लासेस। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजेस मंकी गोरिल्ला एंड गिबन्स इन प्लेस इन क्लास मैमेलिया, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल्स द क्लास क्या है? मैमेलिया। ए क्लास मैमेलिया, क्लास क्या है? मैमेलिया। और इसमें कौन कौन से ऑर्डर इंक्लूड हैं? ऑर्डर कॉर्निबोरा, कॉर्निबोरा। ऑर्डर क्या है इसमें? कार्निबोरा, कार्निबोरा। और इस कार्निबोरा में और भी ऑर्डर हैं। इस कार्निबोरा में इंक्लूड हुआ है टाइगर कैट डॉग, ठीक है। सो दिस वे तो क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर आल्सो। तो क्लास मैमेलिया प्राइमेट्स, एक प्राइमेट्स एक वो हो गया, एक मैमेलिया हो गया, क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। क्लास मैमेलिया में क्या इंक्लूड किया है? प्राइमेटा और सेकंड कार्निबोरा। सो दीज आर द सम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आफ्टर दैट वी विल गो लास्ट वन, इट इज फाइलम। फाइलम और सेकंड इट इज डिवीजन। फाइलम और दूसरा टर्म से सेम प्लेस पे यूज हो रहा है, इट इज डिवीजन। डिवीजन वी विल यूज फॉर प्लांट्स, फाइलम वी विल यूज फॉर एनिमल। वी हैव डिस्कस अर्लियर कि फाइलम किसके लिए यूज हो रहा है? एनिमल के लिए। और सेम रैंक पर एक और वर्ड है डिवीजन, इट विल बी यूज फॉर प्लांट्स, क्लियर। तो फाइलम इट इज ब्रॉडेस्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशंस। क्लासेस कंप्राइजेस एनिमल लाइक फिशेज। बहुत सारे इसमें क्लासेस इंक्लूड हैं, लाइक फिशेज, एम्फीवियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स आर कंस्टिट्यूशन आर नेक्स्ट हायर कैटेगरी इज कॉल्ड फाइलम। फाइलम में सो मैनी क्लासेस आर इंक्लूड देयर, लाइक फिशेज, एम्फीवियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स ऑल सो ऑन।
ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. यहाँ पर और लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज हो गई, ओनली वन कैरेक्टर हैज टेकन देयर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड वेरी फ्यू कैरेक्टर्स. मतलब कॉमन कैरेक्टर्स बहुत कम होते जा रहे हैं. एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूड इन फाइलम कॉर्डेटा. एग्जाम्पल्स एक फाइलम कॉर्डेटा है, इसमें के कॉमन कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और हॉलो न्यूरल सिस्टम. एंड इन फाइलम कॉर्डेटा सो मैनी क्लासेज आर इंक्लूड लाइक फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स ऑल्सो. सो दीज आर द फाइलम कॉर्डेटा. इन प्लांट्स cases of few similar characters are assigned to a higher categories division. We have already discussed कि यदि प्लांट्स का डिस्कशन होगा तो वो आ गया. फिर लास्ट किंगडम, लास्ट जो सिस्टम है इट इज़ कॉल्ड एज किंगडम. ऑल एनिमल्स बिलोंग टू द वेरियस फाइलम आर असाइंड टू द हायर कैटेगरीज कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया. मीन्स हाउ वी विल डिफाइन किंगडम, ऑल एनिमल्स किंगडम को कैसे डिफाइन करेंगे, all animals belonging to various phyla are assigned to our highest category, to our highest categories called kingdom. Clear, student? Highest category are called kingdom. Kingdom kya hai? It is animalia. Kingdom animalia is a classification system of animal. Means highest categories is called, it is highest system of classification. कोई भी classification kingdom से शुरू होगा. You have already read in class 9 five kingdom system. So five kingdom system is a highest category of classification. It is comprises many phylum. So many phylums form a kingdom. Where is friend? The kingdom plantae. A dusra second kingdom kya hai? Kingdom aaya. These are different five kingdom system. Like kingdom animalia for all animals. Kingdom plants for all type of plants. Jitne bhi plant hai. Jitne bhi jinki cell wall. सेलुलोज से फॉर्म है वो सब, जिनके में सेल वॉल प्रेजेंट है और सेलुलोज प्रेजेंट है दैट इज इंक्लूड इन प्लांट्स. ठीक है ना, सेल वॉल इज प्रेजेंट, इट इज इंक्लूड इन प्लांट्स. और ये प्लांट्स में किंगडम प्लांटी में ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स हैज कम. किंगडम एनिमिलिया में ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स विल कम. ठीक है स्टूडेंट, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर. तो स्पीशीज हम लोग स्पीशीज से स्टार्ट किया है, स्पीशीज टू किंगडम स्टार्ट टू क्लासिफिकेशन से कहाँ से किया है, स्पीशीज टू किंगडम. फर्स्ट वन इज स्पीशीज, देन जीनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम. दीज आर स्पेशली असेंडिंग ऑर्डर. किस ऑर्डर पे है ये, असेंडिंग ऑर्डर.
मीन्स लोएस्ट टू, ये आपका क्या है, इट इज लोएस्ट क्लासिफिकेशन, स्पीशीज इज लोएस्ट क्लासिफिकेशन एंड किंगडम इज हाईएस्ट क्लासिफिकेशन. लुक एट द हेरिकीज ऑफ नाउ दिस फिगर. हेरिकीज आप लोगों ने देखा हुआ है, हेरिकीज 1.1, दिस इज 10 हेरिकीज. जस्ट आई विल टेक एग्जाम्पल्स. नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर लाइक किंगडम, अ नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग. लोअर द टैक्सा मोर एंड मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द नंबर विद इन द टैक्सॉन शो. सो इन दिस वे वी कैन इंडिकेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स विच इज इंक्लूड इन चैप्टर 1. It is already deleted from your syllabus. So in next class, we will take new chapter or chapter 2. Chapter 2, it is especially biological classification, five kingdom system. We will read in detail. Thank you. Have a nice day.